बहुत तेज बारिश होने लग गई। हाँ बच्चे भाई, चार मछली आ गई। दो दो यहाँ पर फंसी है, तीन है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और सुबह और अपना आज सेकंड डे है। रात को क्या बढ़िया नींद आई यार, कल भालू के डर से लग रहा था कि नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सोए ना भाई 10 मिनट के अंदर नींद आ गई। और मैं तो बिना स्लीपिंग बैग ओढ़े सो गया, देखो ऐसे सो गया। अभी रात के 3 बजे ऐसे उठा, ठंड लग रही थी तो उस टाइम पर सोचा स्लीपिंग बैग ओढ़ लूँ, फिर दोबारा नींद आ गई। तो फिलहाल 7 बज रहे ना, हो 6:36 हो रहा है टाइम। प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कल रात को भालू आया था और जिसकी वजह से हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन अब ठीक है, सुबह हो चुकी है और आज फिशिंग डे है आज। और सुबह 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 बारिश भी हो रही थी, पता है बाहर का नज़ारा देखो एक बारी, वाह बादल हैं आज तो भाई, बारिश हो सकती है। हाँ और सुबह सुबह ना बूंदाबांदी भी हो रही थी हल्की। तो अभी क्या करते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं फिशिंग करने। ठीक है, आग आग जला लेते हैं एक बारी बाहर जाके। भोला तो इतना डरा हुआ कि वो तो सोया है यार, वो उसमें यार निकल गया ये। बोला बोला हेलो, अरे बोला 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 भाई, जिंदा है ये अपना। आग जल चुकी है, अब चाय और कुछ बनाते हैं नाश्ते में। तो अपना ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट में आज बनाएंगे हम एग सैंडविच। तो कटिंग कर लेते हैं थोड़ा, सुबह की शुरुआत बारिश से हो रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बारिश आने के बाद ठंड भी बढ़ रही है हल्की ना, विंटर वाला फील आ रहा है फिर से। जैसे सैंडविच और कॉफ़ी बनेगी हमारी, उसके बाद आज कल जो हमें रात को नेट डाला है वो देखने जाएंगे, देखते हैं त्रिभुवन कितना लगता है कि कितना आएंगे। 6-7 तो पक्का है। बोला 5-6 भी नहीं, बराबर मत बोलो ना, अलग अलग 6-7 किसका सही अनुमान रहता है। थोड़ा थोड़ा है, चलो
जब तक सैंडविच बन रहा है तब तक हम बनाएंगे कॉफ़ी। चाय भी भूल गए आज हम। गिलास का भरोसा नहीं लगता है मुझे, पता चला नीचे से निकल गया, पिघल गया सच में। और इसी के साथ टाइम हो चुका है, भोला जब गाना गाने वाला था कल से ही हमें बहाने मार रहा है, कल गाऊंगा मतलब बाद में गाऊंगा। फाइनली टाइम है अभी, कल तो बहाना मिल गया भाई, भालू आ गया लेकिन आज कोई बहाना नहीं है। जैसे भालू दिखा तो हम मतलब छोड़ छाड़ के भालू के पीछे, लेकिन भोला स्टार्ट शुरू कर दो। ज्यादा नहीं आता। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ पीछे पीछे साड़ी तेरी। भाई भोला के लिए लाइक बनता है इस गाने के लिए। पीछे पीछे साड़ी। तो काफ़ी मस्ती के बाद अब टाइम है अपना नेट चेक करने का। वैसे भोला को सपना हुआ कि आज कितने फिस थे उसमें, दो नेट में ना। हाँ। कितने बड़े थे वो? थी थोड़े बड़े बड़े। अच्छा, और भोला ने बताया कि 6 फिस उसमें होंगी और 7 भाई, 7 और 5 वाला भी, 3 3 3 और मुझे लगता है कि 2 हैं। तो चले स्टार्ट करें, चलते हैं यहाँ से। और टेंट सारा क्लोज कर दिया हमने, देखो पूरा। और बारिश देखो यार, बारिश आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे अभी, जल्दी जल्दी देखते हैं। भाई चलो। भोला को पूछा गया कहाँ जा रहे हैं तो बोल रहा है मच्छी पालन। भाई कहा मच्छी पालन नहीं, मच्छी पकड़ने होता है, मच्छी पालन करने जा रहे हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं लोग। क्या लगता है जी? दो कुछ भी नहीं, कहा था ना ये सपने मत देखा करो तुम। यार उठा, एक 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 दो 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 भाई, दिखा दिखा दिखा, क्लोज क्लोज। अच्छे से देखो, दिखा ना। वाह भाई, दो वाला कौन था? मैं। हाँ। भाई आप तीसरे का नंबर आ रहा है, पता नहीं मेरा तो सच, देखने को नहीं आए थे। मेरा तो सच हो गया। हाँ मैं देखने आया ना टॉर्च लेके रात को। एक और, दो और, दो और, चार चार, तो भाई दो और है। मजा ही आ गया यार, चार फैमिली यहाँ पर, चार फंसे हैं, दो चार और पकड़ के आज अलग ही डिश बनाएंगे। क्यों अभी हम यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, 4 फिश तो नीचे आ गई थी कल जो रात में नेट लगाया था हम लोगों ने, अभी और देखते हैं ऊपर को। यहाँ पे लगा रहे हैं आज हम नेट और भोला उतर चुका है पानी में, देखो ठंडे ठंडे पानी में सुबह सुबह। और इस कोने से लगाएंगे हम, पूरा कवर कर देंगे। और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में बस बारिश हो सकती है, तो तब तक नेट लगा के हम छोड़ देंगे, फिर आके शाम को या फिर रात को देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा हमें। भाई मौसम इतना खतरनाक हो गया ना अभी, अब हमें एक काम करना होगा, जल्दी से अपना सामान अंदर करना पड़ेगा।
बहुत तेज बारिश होने लग गई। हाँ बचो भाई, चल भाई, हाँ चल अंदर। ओ भाई आज मजा आने वाला है क्यों ग्रुप कैंपिंग में? ये देखो अब अंदर बैठ जाते हैं हम लोग, और अंदर बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे तो बारिश का साउंड ही काफ़ी है, फिर भी मज़ा आ गया बारिश। चलो गेम खेलें कुछ, लूडो खेलते हैं यार। लूडो है? किसके पास है लूडो? मेरे पास है ना, खेलें। वो बारिश बढ़ चुकी है, अब हम इंजॉय करेंगे बारिश का फुल। और यार अभी खाने का कुछ होता, स्नैक्स वगैरह, मज़ा आ जाता ना। हाँ मज़ा तो आता, बट मच्छी होती तो फीस होती। तो तब तक हम क्या कर रहे हैं, लूडो है, लूडो लूडो खेल रहे हैं हम लोग। लगाना गेम, लगाना। वाव क्या मस्त बारिश हो रही है। हम थोड़ा लूडो एंजॉय करते हैं, तब तक आप बारिश के कुछ ब्यूटीफुल से शॉट्स देखो, है ना। हाँ इसका खुल गया भाई, मैं खुल गया मेरा तो। अच्छा बहुत तेज है भाई तू, हैं अब तो आ जा। ये हमें चाहिए दो बार, लगता दो में अटक जाएगा। क्या कर हारने वाले हो, हारने वाले हो, बस दो। तब तक देखो यार बाहर का मौसम बदल चुका है भाई, फिर से धूप। वाव थोड़ी बारिश हुई और अचानक से फिर से धूप आ चुकी है, और मज़ा आ गया काफ़ी। देखो टेंट के ऊपर पूरा पानी, इतना ही आया पानी, काफ़ी ठीक ठाक बारिश हुई है। और यहाँ पे देखो, और अंदर चल रही है पूरी मस्ती। थोड़ा सो जाता हूँ। हाँ उसके बाद फिशिंग करने जाएंगे ना। नहाना है, गर्म करता हूँ शरीर। नहाते हैं, नहाते हैं। भोला बोल रहा है तो नहाना पड़ेगा। यहाँ पे डांस करने के बाद हम इतना थक गए हैं। जितना यार डांस तो हम कैंपिंग में नहीं दिखा पाएंगे आपको, आपको ब्लॉग चैनल पे आना पड़ेगा। ब्लॉग चैनल आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। लगभग 5-10 मिनट हमने डांस किया है, और भोला का डांस भाई सबसे बेस्ट था। तो अभी हम जा रहे हैं फिशिंग, वापस से फिशिंग करने, क्योंकि मौसम देखो साफ हो चुका है। वहाँ पर देखो हमारी एक झोपड़ी बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा, वो बनी है लकड़ियाँ सेव करने के लिए, ताकि भींगे ना। ठीक है तो चलते हैं वापस। मस्ती टाइम स्टार्ट। तो यार कल की तरह आज फिर से हम जा रहे हैं स्विमिंग करने, और साथ में फिशिंग भी करेंगे। तो काफ़ी दो दिन की कैंपिंग में हमने कल से काफ़ी मज़े किए हैं यार, और आज से हम अगर 20 या 30 साल बाद अपनी वीडियो देखेंगे ना, तो क्या ही फील आएगा अभी ये वाली वीडियो देख के।
जब हम नहीं रहेंगे तब भी देखेंगे लोग देखेंगे। हाँ ये भी तो है। हाँ त्रिभुवन तो देखेगा फिर भी। अरे तू तो बच्चा है अभी। तो यही है लाइफ, लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय अभी मर गया। देखिए अभी अभी फिसल गई है भाई, गया था यहाँ से। यहाँ पे हमने नेट डाला हुआ था, देखते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा अभी कोई भी आया होगा इसमें। हर दिन हम फिशिंग करने के बहाने आते हैं, फिश फंसे ना फंसे कांटे जरूर फंसा के ले आते हैं लोग। कैसे निकल गया ये कांटे इसमें, फिर से वापस ऊपर की साइड जा रहे फिशिंग करने। अरे हाँ देखो हमारी सब्जी जंगलों में उगाई है, देखो इतनी सारी। जिस जिसने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी उसमें हमने जो नेटल ग्रास है इसकी सब्जी खाई थी, वो भी मच्छी के साथ। हाँ तो आने वाले टाइम में बनेगा ये चीज़ भी। आने वाले वीडियोस में ना हम इसकी सब्जी, नेटल ग्रास की सब्जी और बुरांस दिख रहा है यहाँ पे कहीं, बुरांस ऊपर कहाँ पर यहीं कहीं पे होगा उसका जूस, और साथ में जैम बनाने वाले हैं। तेज पत्ता, इसके पत्ते हम फिश कड़ी में यूज़ कर सकते हैं। देखो दो तीन ले लेते हैं यहाँ से। तो जैसा कि हमें इस टाइम पे आज कोई फिश नहीं मिला, तो कल जो चार फंसे थे रात को वही उसी का कोई फिश करी टाइप का बना के साथ में चावल बना लेते हैं, क्योंकि भूख लग चुकी है काफ़ी। फिश ना मिलने का एक रीज़न क्या था बताया, एक तो ठंड थी और ऊपर से ना जैसे जैसे कल तो पूरा जोश था भाई फिशिंग करेंगे ये करेंगे, और नेक्स्ट आज दिन आते आते सब भाई जोश पूरा ख़त्म, तभी नहीं हो पाया। चलो फिलहाल चावल बनाते हैं साथ में फिश करी वगैरह बना लेते हैं। इसमें रखूं इसे एक बार हाथ में कर लूँ। चावल रेडी, अब की बारी फिश फ्राई करने। डाल दे। बारी फिश करी बनाने की, ये भी डाल दी, और साथ में हमें जंगल से जो फ्रेश तेज पत्ते मिले थे उनको भी डाल देते हैं। साथ में लहसुन, हरी मिर्च, लहसुन डालने के बाद जो भाई खुशबू रहती है ना वो तो। इसे वो वाला यूज किया हल्का, ये भी डाल देते हैं। जिंजर नहीं है ना इसमें तो हल्का।
बिना फिश डाले खुशबू आ रही तो समझ जाओ। अभी देखो बारिश के बाद सभी लोग हाथ के इतने क्लोज आ गए, लग रहा है भाई जनवरी फरवरी चल रहा है, और ये है मार्च। आज कितनी है, 30 तारीख ना, 31 जाएगा, कल को महीना एंड है। नए महीने पहले तो मेरी एक सर्वाइवल वीडियो आने वाली है, मैं शायद परसों को निकल जाऊंगा उसके लिए, कि आज भी स्नोफॉल हुई होगी तो पहले हफ्ते में ही एक सर्वाइवल वीडियो आएगी। उसके बाद कुछ और वीडियोज़ भी आएंगी, स्पेशल वीडियोज आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्या कुछ बच, ये आ गई किस ऊपर से, हमारा लंच रेडी हो चुका है। चलो प्लेट में डालते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चावल ठीक बने हैं। हम लोगों ने खाना वाना खा के बैठे हैं, अभी शाम के कोई 6 बजने वाले हैं, और अभी से हमारा प्लान ये बन रहा है कि अभी से दिखाने को कुछ है नहीं, नाइट का क्या ही दिखाएं, कल आप देख चुके हैं, तो अभी वापस जाते हैं पैकिंग वैकिंग करके, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसकी तैयारी करते हैं। मैं शायद परसों को निकल जाऊँगा इस वीडियो के लिए, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है तो मिस मत करना। और चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। तो आज का कोड क्या रहने वाला है इस वीडियो का, कल तो दिया है सेकंड पार्ट का मैं दे देता हूँ। चंदू भाई क्या रहेगा कोड, 998 कोड है, देखते हैं कौन कौन लास्ट यहाँ तक वीडियो देख रहा है, तो जो यहाँ तक देख रहा है ज़रूर कमेंट करना, और फिर उसका शार्ट आउट भाई हर वीडियो में, अभी से ना हर वीडियो में 10 से 12 लोगों के नाम लिए जाएंगे जो कमेंट करता है, तो ज़रूर से कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी स्नो सर्वाइवल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चलो पैकिंग पे लग जाओ, फिर चलते हैं। 998 बोलना मत, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब तो चैनल को करना है। लाल तेरे कंगन हाथ माँ चूड़ी छनहरा, लाल तेरे कंगन हाथ माँ चूड़ी छनहरा, हाय हाय चुनरी तेरी, हाय हाय चुनरी तेरी, चमकनी गुलाबी शरारा। चलो रेल ला लेल हरी लेल ला लेल हरी रेल हली ला ले हरी लेल हली हरी हरा हरी रेल ला ला नून भाई में हो गया हरा रेल ला।